बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो यार अभी ना हम ऊपर आए थे, आज हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हुई है। ये देखें मेरा साया अब तोड़ नजर भी नहीं आ रहा। इधर हल्का सा आ रहा होगा तो कितनी हल्की सिर्फ धूप निकली है। ओए ओए ओ भाई, कितने दिनों बाद खुली है। और एक मिनट पहले मैं इनको रोक लूँ। चले, एक मुर्गी को मैंने इधर बंद कर दिया, इस वाली को। ये देखें हमसे बाहर नहीं आना। चलो चलो, बाकी ये यार इससे लड़ती है पता नहीं क्यों, ये इतनी बड़ी है उससे उम्र में। और वो देखे मुर्गा हमारा बॉर्डर के अंदर ही खड़ा है ताकि ये मुर्गा उसे ना मारे। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। ये देखें यार, ये ना मैंने इतने दिनों से वीडियोस नहीं बनाई, तो इस खाने में जो मैंने तूड़ी वगैरह डाली थी ना, वो सारी की सारी मैंने दोबारा बाहर निकाल ली थी सुखाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गीली हो गई थी, अंदर ये बीमार हो जाते हैं। और इसमें फिर मैंने नई तूड़ी डाल दी। और कोई अंडा वगैरह नहीं है इसको, फिर ना मुर्गे को हम इधर ही दे देते हैं, ये बाहर नहीं आ रहा। इसको बाजरा मैं इधर ही दे देता हूँ। दाना भी यार बस खत्म हो गया, तो बाहर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, उसको मैं अंदर ही दूंगा, क्योंकि ना वो फिर हमारी इस मुर्गी से लड़ना शुरू हो जाएगी। उधर धूप आ रही है उस केज में, वो उधर ही ठीक है। और इस मुर्गे को मैं दे देता हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। चलो, इसके लिए बहुत है पूरे दिन के लिए। तो चलें अब ना ये दाना इस वाली मुर्गी को देते हैं जो अंदर है। देखिए इसके मुंह पे खून भी लग गया, बड़ी यार तेज है ये, बहुत ज्यादा मारा इसने इतनी सी देर में। चलें बस खाती रहेगी, पानी भी इसको मैं अंदर ही दूंगा, अब ये अंदर रहेगी। तो चलें जी अब ना ये थैला देखें, ये भर के लाया था मैं तकरीबन अभी 10 दिन भी नहीं हुए, हफ्ता हुआ है। तो माशाल्लाह दाना जो है वो खत्म हो गया, तो ये दाना इधर रख देता हूँ बर्तन, क्योंकि मुझे कोई और नजर नहीं आ रहा। आ गया ये रहा बर्तन, नहीं यार गंदा हो रहा काफी, ये ऐसे ही खा लेंगे। आ जाओ आ जाओ। चलें बाहर दो जगह हो गया, अंदर दे दिया, उधर मुर्गे को दे दिया, वो शॉपर गिर गया, बस गिरे रहने दें ताकि हमारा ब्लैक मुर्गा आके इससे लड़ना शुरू ना हो जाए। अब ये देखें अकेली बाहर निकली हुई है ना, तो आवाजें लगा रही हैं ये मुर्गी, क्योंकि मुर्गा अंदर है और वो भी अंदर से आवाजें दे रहा है। ये देखें ये देखें, अकेला खा ही नहीं रहा, अकेला नहीं खा रहा, उन दोनों को आवाजें दे रहा है। एक ये रही इसकी मुर्गी, एक उधर अंदर बंद है और दूसरी बकाया पता नहीं किधर। ये इसे एक काम करते हैं, इधर क्यों रखा हमने, इसे निकाल के मुर्गे के पास ही छोड़ देते हैं। ओहो ये देखें इसके साथ की मुर्गियों ने इसका हाल क्या किया है। चलो इधर जाओ, जाने आना शुरू हो गई है। चलें इसको इधर बंद कर दिया मैंने। यार अपना नया दिन आ चुका है, और देखें छत की मैंने सारी सफाई कर दी, यहाँ पे तूड़ी वगैरह जो भी थी ना वो खुश्क हो गई थी, और वो मैंने क्या किया इन केज के अंदर डाल दिया। और ये देखें कितने अच्छे तरीके से जो है वो कवर होते हैं सारे केज वगैरह, ये हो गए और ये हो गए। इस पे भी शीट है और साथ ऊपर खेस डाला हुआ है। और इधर से भी मैं दिखाता हूँ, ये देखें सर्दी बहुत हो रही है यार, तो माशाल्लाह मुर्गी हमारी कवर है, सेफ है। मैं साथ साथ इनको खोलता हूँ और आपको बताता हूँ यार कि इस टाइम ना दिन का 1 बज रहा है, रात को खाना पानी जो है वो अंदर होता है, तो पानी तो नहीं खाना वो खा लेते हैं, तो सुबह के टाइम मैंने लेट ही खोलता हूँ। ये देखें क्योंकि सुबह के टाइम यार ठंड बहुत होती है। और माशाल्लाह देखें सबके सब ठीक हैं। ये देखें इधर कोई अंडा नहीं पड़ा, और वो देखें दाना वगैरह उन्होंने खा लिया, बर्तन के अंदर सारी तूड़ी भर दी। और इधर सिर्फ यार मैंने एक मुर्गी रखी हुई है, क्यों, उसकी वजह ये है कि हमारी ये वाली जो मुर्गी है ना यार, इसने हमारे मुर्गे के बहुत खून निकाल दिया था पर वाली साइड से, तो सिर्फ इसके साथ ही एक मुर्गी है। इधर देखें माशाल्लाह 3 मुर्गियां और इधर 4 मुर्गियां, अंडे तो आज इनमें से किसी ने भी नहीं दिए हुए। तो चलें इनका एक दफ़ा मैंने शॉपर साइड पर कर दिया, बाकी अभी इनकी बारी। तो चलो भाई आ जाओ बाहर, ये देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। यार मेरी वीडियो ना बनाने की वजह भी यही थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मैं इनको ज़्यादा खोलता नहीं था मुर्गियों को, फिर मैं आपको भी क्या दिखाता। तो अंडा इन्होंने नहीं दिया हुआ, लेकिन एक गोल्डन मुर्गी जो है वो अंडे देना शुरू हो गई है, ये वाली। अब ये देखें ये बाहर आने के लिए कर रहे हैं सबके सब। मेरे ख्याल से दाना भी ख़त्म हो गया यार, दाना सिर्फ यही रह गया जो बाहर पड़ा है।
तो ये बाहर वाले खा लेंगे एक दफ़ा, इनके लिए मैं दाना जल्दी से जल्दी जाके लेके आता हूँ। तो मैं भी यार दाना लेने जा रहा था नीचे, घर वालों ने ना ये सालन दे दिया, सालन है इसमें रोटी वगैरह चुरी हुई है, तो मैं वो डाल देता हूँ इनको दाना, फिर थोड़ी देर तक मैं इनका ले आऊँगा। ये देखें किस तरह सारे भूखे हो रहे हैं, तो जल्दी से मैं इनको डालता हूँ। तो यार अब ना इन्होंने खाना वगैरह सब खा लिया है और खुद ब खुद अंदर चली गई थी मुर्गियाँ, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि ना अब शाम होती जा रही है तो सर्दी भी बहुत हो रही है। और देखिए उन्होंने यार अंदर पानी गिरा लिया है, अब बर्तन भी बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे मैंने दरवाज़ा खोलना है इन्होंने बाहर आ जाना है, तो सुबह ही ये दरवाज़ा खोलूँगा। अब बस इन सबको ना बंद करता हूँ। इधर भी इन्होंने किसी ने भी अंडा नहीं दिया होगा, तो अंडे तो किसी ने नहीं दिए हुए, बस बंद करने का टाइम आ गया और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा यार, सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है ना। बाकी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें यार, ताकि मजीद आने वाली वीडियो और उसके नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलें। दुआ में याद रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।